ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर हो गई है और मुर्गी का गोश्त 594 रुपये किलो हो गया है। जिंदा ब्रॉयलर 382, होलसेल 396 रुपये किलो में मिल रहा है। दूसरी जानब मार्केट में ब्रॉयलर की सप्लाई ब्लैक में की जा रही है। मुतअद्दिद इलाकों में दुकानदारों ने ब्रॉयलर की सप्लाई ना ली और ब्रॉयलर ट्रेडर्स एक्शन कमेटी ने कारोबार बंद करने का इंदिया भी दे दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल लाहौर में ब्रायलर के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो ब्रायलर की सप्लाई शहर लाहौर को दी जाती है दीगर शहरों से या मुख्तलिफ इलाकों से, उसकी कीमतें और जो लाहौर के लिए जो सरकारी रेलिस जारी की जाती है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, उसमें दर्ज कीमतें जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज जिंदा ब्रायलर होल सेल की कीमत या सप्लाई रेट जो है 396 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, जबकि लाहौर के जो ब्रायलर फ्रोश हैं उनकी दुकानों तक ये सप्लाई जो है वो 410 से 420 रुपए फ़ी किलो तक दी जा रही है, यानी कि 15 से 20 रुपए का जो है इजाफा इसमें देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि अब भी मुतअद्दिद इलाकों की दुकानें जो हैं वो ब्रायलर की फ़रोख्त नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह बड़ी ये बताई जा रही है कि जो सप्लाई रेट और सरकारी रेलिस्ट है उसमें जो है वो फ़र्क खासा जो है वो बढ़ चुका हुआ है। क्या आइंदा का लाहे अमल होगा और ये क्या वजह है, हमारे साथ इस वक्त लाहौर ब्रायलर एक्शन कमेटी के चेयरमैन मज़हर अली मौजूद हैं। मज़हर साहब, क्या वजह है कि पूरा हफ्ता गुजर गया ना शहरियों को सस्ता ब्रायलर मिल रहा है ना दुकानदार जो हैं वो भी अलग से गिले शिकवे करते दिखाई दे रहे हैं? असल में बात यह है कि रात के टाइम ये इकट्ठे हो जाते हैं फार्मर ब्रोकर, और ये इन सब ने मोनोपली की हुई है, जो गवर्नमेंट को रेट कुछ देते हैं और उसके बाद गाड़ियाँ बुला के उन्हें रेट कुछ और देते हैं, जिस वजह से ये सारे मसाइल हैं। दुकानदारों को वो लिस्ट रेट पर जो माल आता है वो नहीं मिलेगा तो वो मजबूरी दुकानें बंद करेंगे। छोटे छोटे दुकानें तो मेरे ख्याल 50-60% दुकानें बंद हैं, होलसेल वाली दुकानें खुली हैं जिन्होंने होटलों पर माल देना होता है, मजबूरी है। तो इसी तरह के हालात रहेंगे तो 2-3 दिन बाद ये भी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्यों आज बिल्कुल हालात अगर यही रहे तो ब्रायलर की तमाम दुकानें जो हैं वो शहर में बंद हो जाएंगी, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि जो सरकारी रेलिस पर ब्रायलर की कीमत है उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा है। दुकानदारों की जानिब से इस बार जो है वो हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो जिंदा ब्रायलर की कीमतें जो मुकर्रर की जाती हैं उनको यकीनी बनाने के लिए भी अपने इकदाम करें, क्योंकि जो सप्लाई है उसमें जो फ़र्क है वो जो है वो कम हो सके। सारा हफ्ता जो है वो यही सूरत हाल रही है कि सरकारी रेलिस्टों पर कीमतें मुस्तहकम, जबकि ज़मीनी हकाइक ये हैं कि इस वक्त ब्रायलर मार्केट में खासे लोग जो है वो परेशान, और शहरियों की जानिब से भी ये गिला किया जा रहा है कि ब्रायलर जो है वो महंगे दामों फरोख किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया।